सोलन में होली वाले दिन सोलन सब्जी मंडी के समीप से एक कार और 3 मोटरसाइकिल चोरी हो गए, जिसकी वजह से शहरवासियों में दहशत का माहौल था और सभी डरे हुए थे कि सोलन में वाहन चोरी करने वाले गैंग ने दस्तक दे दी है। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, उन्होंने चारों की तलाश आरंभ कर दी और अपने गुप्तचर जगह जगह फैला दिए। शहर में विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर दी। कुछ ही घंटों में जागरूक पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया और कार चोर को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोलन में होली वाले दिन सोलन सब्जी मंडी के समीप एक कार और 3 मोटरसाइकिल चोरी हो गए, जिसकी वजह से शहरवासियों में दहशत का माहौल था और सभी डरे हुए थे कि सोलन में वाहन चोरी करने वाले गैंग ने दस्तक दे दी है। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, उन्होंने चोरों की तलाश आरंभ कर दी और अपने गुप्तचर जगह जगह फैला दिए। शहर में विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर दी। कुछ ही घंटों में जागरूक पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया और कार चोर को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस की पकड़ से अभी बाइक चोर बाहर है, उनकी तलाश में पुलिस की विभिन्न टीमें छापामारी कर रही हैं। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही वाहन चोरी की शिकायत मिली, उनकी टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी और उन्होंने आज कार चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार चोर सोलन के समीप लगते गाँव मशीवर का है, जिसका नाम रजत है। रजत से आवश्यक पूछताछ की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बाइक चोर भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हमारे पास 10 मार्च को मिस्टर दलीप कुमार ने सोलन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उनकी गाड़ी है 800 और वो सब्जी मंडी सोलन के पास खड़ी की थी, वहाँ से कोई नामालूम व्यक्ति उसको चुरा के ले गया है। इसके अलावा और भी एसोसिएटेड शिकायतें आई थी कि 3 बाइकें भी जो है यहाँ से चोरी हुई है। तो इस पर पुलिस ने 379 IPC के तहत FIR दर्ज की थी और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो 800 गाड़ी है इसको रिकवर कर लिया गया है और इसको एक व्यक्ति जिससे इसको रिकवर किया है उसका नाम रजत है, ये मसीवर का रहने वाला है यहीं सोलन का, इसको हिरासत में ले लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस गाड़ी चल रही है केस में आगे और ये गाड़ियाँ में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन लोगों ने ये गाड़ियाँ उठाई हैं, बाइक्स कहाँ हैं, उस पे काम हो रहा है और जल्द ही जो बाकी दोषी हैं वो भी इसमें अंदर होंगे। तो ये था आजमपुर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडे के साथ। नमस्कार।